दोस्तों भारत में माँ काली का एक रहस्यमय मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। इस मंदिर को भयानक शमशान के ऊपर बनाया गया है। इस मंदिर में स्थापित माँ काली को कुछ रहस्यमय नागा साधुओं ने स्थापित किया था। इस मंदिर के सामने एक तालाब है जहाँ पानी के 30 फीट नीचे एक रहस्यमय शिवलिंग मौजूद है, जिनके दर्शन के लिए जितनी बार पानी निकाला गया पर शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाए। दोस्तों इस मंदिर से जुड़े इतने सारे रहस्य हैं जिसे सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे विचित्र और रहस्यमय कंकाली माता मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के पुरानी बस्ती में कंकाली तालाब है जहाँ कंकाली माता का भव्य मंदिर भी स्थित है। बताया जाता है कि लगभग 600 साल पहले तक ये जगह, जो आज पूरी तरीके से भरी हुई है, बिल्कुल वीरान जंगल और शमशान हुआ करती थी। इस जगह पर तंत्र मंत्र करने वाले नागा साधुओं ने यहाँ पर कंकाली माता के मंदिर और शिवलिंग का निर्माण करवाया था। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंकाली काली मंदिर के बारे में। कहते हैं कि आज से करीबन 700 साल पहले आजाद चौक ब्राह्मण पारा के समीप नागा साधुओं ने डेरा डालकर मठ की स्थापना की थी। वे माँ कंकाली के परम भक्त थे। उसके बाद इस मंदिर के महंत कृपालगिरी महाराज को माँ कंकाली ने स्वप्न में दर्शन देकर कुछ ही दूर मंदिर निर्माण करने की आज्ञा दी। लगभग 650 साल पहले मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और मठ से स्थानांतरित करके माँ कंकाली की प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित की गई। प्रतिष्ठा के बाद महंत कृपालुगिरी महाराज को कंकाली देवी ने साक्षात कन्या के रूप में दर्शन दिया, लेकिन महंत जी उनको पहचान नहीं पाए और उनका उपहास कर दिए, जिससे वो कन्या रूपी देवी एकदम से अदृश्य हो गए। तब महंत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वर्तमान कंकाली मंदिर के बाजू में ही जीवित समाधि ले ली। ये जीवित समाधि आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर में आपको भारी मात्रा में अस्त्र और शस्त्र दिखेगा। लोग यहाँ पर आते हैं, माता के सामने माथा टेकते हैं और पुराने अस्त्र शस्त्र के दर्शन करते हैं। अब ये अस्त्र शस्त्र यहाँ पर कहाँ से आए? कहते हैं कि जहाँ पर माँ कंकाली की मूर्ति मिली थी वहीं पर इतने ज्यादा शस्त्र और अस्त्र निकले कि तालाब बन गया। ये तालाब माँ कंकाली के मंदिर के ठीक सामने स्थित है। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब देवी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी और श्री राम को अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित किया था। बस इसी मान्यता के चलते इनके शस्त्रागार का महत्व बढ़ जाता है और भक्तजन इसके दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से आते हैं। ये शस्त्रागार केवल दशहरे के दिन खुलता है क्योंकि इसी दिन राम ने रावण का वध किया था। चलिए अब बात करते हैं उस रहस्यमय शिवलिंग के बारे में जो इस तालाब के अंदर मौजूद है। दोस्तों कहते हैं कि जिन नागा साधुओं ने कंकाली माता की स्थापना की थी उन्होंने ही यहाँ की शिवलिंग की स्थापना भी की थी। काफी समय तक इस मंदिर में नागा साधु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते थे, पर अचानक यहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ कि धरती से पानी की धारा फूट पड़ी और पूरा का पूरा मंदिर तालाब में डूब गया। इसके बाद कई बार तालाब के पानी को निकालकर भगवान के मंदिर को लोगों के लिए दोबारा खुलवाने की कोशिश की गई, पर आज तक इस मंदिर का पानी कभी नहीं सूखा। दोस्तों गर्मियों के मौसम में यहाँ के सभी तालाब और कुएं सूख जाते हैं, लेकिन ये चमत्कारी कंकाली तालाब हमेशा की तरह लबालब भरा रहता है। इसी कारण आज तक कोई भी इस तालाब में डूबे मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया है। कहते हैं कि कंकाली तालाब में उस समय इतना अधिक मृत अस्थि कंकाल का विसर्जन किया गया था कि हड्डी के फॉस्फोरस का अंश घुलते रहने के कारण इस तालाब के पानी में स्नान करने पर चर्म रोग को दूर करने का प्रभाव आ गया। ऐसा विश्वास अभी भी श्रद्धालु लोगों के मन में है, इसीलिए दूर दूर से चर्म रोगी इस तालाब में स्नान करके माँ कंकाली देवी के दर्शन करते हैं और स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। दोस्तों कंकाली माता मंदिर के रहस्यों के बारे में सुनकर आप सभी को कैसा लगा? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। यहाँ तक आने का पूरा पता से लेकर और भी कई जानकारियाँ हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।